गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। चैप्टर 18 लेटर। बेटा इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर 18 लेटर। मैम क्या बोलते हैं आप, ग्रामर पढ़ा रही हैं? लेटर्स बेटा, लेटर लिखने से पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा लेटर कौन सा है, किसको लिख रहे हैं, हम अपने किसी रिश्तेदार को लिख रहे हैं या फिर अपने सर या टीचर को लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए बुक खोलिए, क्वेश्चन पढ़िए। रुचि हैज हर बर्थडे ऑन 15 जुलाई। मैम पेज नंबर बताइए। 22 कर लीजिए। शी वांट टू इनवाइट हर फ्रेंड्स फायर एंड रुचि का बर्थडे है, वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहती है, तो वो उन्हें लेटर के थ्रू इनवाइट कर रही है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम एड्रेस लिखेंगे। मैम आप 18 चैप्टर का लेटर्स करवा रही हैं? ना लेटर सी तो लिखी है बोर। राइट डाउन द एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल। पंखुड़ी आपके घर से आवाज आ रही है, म्यूट करिए माइक। इस तरह से आप पहले अपना एड्रेस लिखोगे, क्लियर, फिर देन डेट लिखोगे। टुडे डेट इज 10/2/22। ठीक है, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद डियर पायल, फिर एक लाइन इधर छुटेगी, इधर भी छुटेगी एक लाइन, इधर भी एक लाइन छुटेगी, फिर आई सेलिब्रेटिंग मैम। कौन सा पेज नंबर? बर्थडे पेज नंबर 50। ओ पीला।
क्या मैम? मैम आज कौन सी बुक पढ़ाएंगी? मैम बेस्ट नंबर कौन सा है? पर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मैम आप नीबीएस पढ़ा रही हैं? लिख लो तुम। ये कुत्ता क्या आगे ने सुना? आई सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे। मैम कौन सी बुक है? लैंग्वेज। मैम हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश? हाउ स्टूपिड सा क्वेश्चन है। लिखी कौन सा लैंग्वेज लिखा हुआ है? मैम कॉपी पे नोट करना है। बेटा कितना कितने गंदे गंदे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। शेम ऑन यू। वो भी नर्सरी क्लास के बच्चे। जाहिर सी बात हम काम करवा रहे हैं तो कॉपी में करना ही है आपको। हिंदी लैंग्वेज की इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लिखा हुआ है तो इंग्लिश ही होगी ना। और कल मैंने आपको बताया भी था कि इंग्लिश लैंग्वेज आप लोग इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं। मैम इसको फिल करना है? हाँ देव कॉपी में करना है। Completed? No, ma'am. Right was no. Computer. हम गए थे लाइब्रेरी। Thank you.
कंप्लीटेड हो गया? नो मैम। मैम मेरा हो गया। हेलो मैम। हाँ मैम, मेरे से डियर पायल लिखा है, उसमें मैं अपना नेम डालना है। आप अपने फ्रेंड का नाम कुछ भी लिख सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। आप इसे भी लिख सकते हो और अपने फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो। मैम ये टेस्ट है। मैम मेरा हो गया। मैम बोलते सब होता है। क्या बोल रही है? अरे लेटर हो गया। नाउ मैं रखने जा रही हूँ, ठीक है? यस मैम रख कर। यस मैम रख कर दीजिए। इसी के नीचे वी विल हैव से कंटिन्यू करिएगा आप लोग, ठीक है? क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इरेज कर रही हूँ। यस Thank you.
हो गया सबका? हाँ मैम। Have you completed? Yes मैम। Yes मैम। Yes मैम, मेरा भी हो गया। मैम रफ कर दीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर उसके बाद पहले आप क्या करोगे, ऑन एड्रेस लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद डेट लिखोगे, फिर देन आफ्टर वन लाइन फिर छोड़ोगे, फिर डियर फ्रेंड का नाम जो भी आपका है, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ अ कंटेंट लेटर लिखेंगे, फिर सब का सब आपका लेफ्ट साइड में ही होगा, योर फ्रेंड जो भी अपना अपना नाम लिख दोगे, ठीक है? ओके मैम। अच्छा क्या नहीं आई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है लेटर में? ना मैम कोई दिक्कत नहीं। पेज चैप्टर 19 आ जाइए। चैप्टर 19 राइटिंग स्टोरी। आपको राइटिंग पिक्चर स्टोरी या राइटिंग स्टोरी कुछ भी दे दिया जाए तो आपको उसमें राइटिंग एक स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है? और
राइटिंग स्टोरी, इसमें आपको एक डॉग की स्टोरी दी हुई है, ठीक है? तो जिस चीज की स्टोरी दी हुई है आप उसी की स्टोरी लिखेंगे। राइटिंग स्टोरी। Once a dog dashed very dash. All four. सेकंड फिर देखिए। स्टोरी मतलब पिक्चर आई। आवाज आ रही है आपकी तरफ से?
Our time is over. Sorry. Yeah. Bye-bye, class. Bye-bye. Take care.